रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने खेरसों इलाके में पीछे हटने का फैसला कर लिया। तो आपको बता दें, खेरसों वही इलाका है जिस पर फिलहाल कब्जा करने की बात रूस की ओर से कही गई थी। वहां पर रेफरेंडम किया गया था पिछले लंबे वक्त से। यहां पर यूक्रेन और रूस की फौज आमने सामने थी, विध्वंसक युद्ध यहां चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी खबर यहां से आई कि रूस ने खेरसों इलाके से पीछे हटने का फैसला किया। रूस के कब्जे वाले खेरसोन में डिप्टी गवर्नर किरिल स्ट्रेमोसोव को मौत के घाट उतारकर यूक्रेन ने पुतिन को बड़ा झटका दिया है। बताया जाता है कि किरिल की मौत को एक हादसा साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत किरिल की हत्या करार दिया जा रहा है। क्रीमिया और खेरसोन में आर्मिनस के बीच हाईवे पर किरिल की गाड़ी को विस्फोट से उड़ा दिया गया। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавший в ДТП. आपको बता दे कि किरिल पिछले दिनों भी चर्चा में आए थे। यूक्रेनी पुलिस ने उन्हें देशद्रोही घोषित कर रखा था। किरिल यूक्रेन के क्षेत्र में रूस के कब्जे से सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक थे और सोशल मीडिया पर आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते थे। वे अपने यूक्रेनी राष्ट्रीयता के बावजूद रूस के पक्ष में थे। बहरहाल खेरसोन पर 7 महीने के बाद कब्जा छोड़ना रूस की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। अजीब संयोग है कि रूस ने एक तरफ खेरसोन में अपना कब्जा छोड़ा और किरिल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि खेरसोन से रूसी सेना की वापसी से ठीक पहले यहाँ पुतिन ने जवानों को संबोधित किया था। ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हमारे संवाददाता मनीष झा। रूस का कहना है कि खेरसोन में स्थित काखोवका डैम पर यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले हो रहे थे और इसकी वजह से खेरसोन इलाके में भयानक बाढ़ आ सकती है, जिससे रूस की आर्मी और वहां पर मौजूद लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए रूस को ये फैसला लेना पड़ा। रूस के आर्मी के जनरल सुरोवकिन का कहना है कि यूक्रेन लगातार वहां पर हमला जारी रखे हुए है, इसके बावजूद कि यूक्रेन ने करीब 9,500 सैनिकों को खोया, उसके काफी हथियार भी खत्म हुए, लेकिन यूक्रेन के हमले में कोई कमी नहीं आई है, इसलिए रूस को ये फैसला लेना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ घंटे पहले रेड स्क्वायर पर आए थे और यहाँ पर मौजूद ओपन वॉर म्यूजियम का दौरा करके उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन अब रूस को ये फैसला लेना पड़ा कि वो खेरसोन के उन इलाकों में जहां पर कि रूस की आर्मी का वर्चस्व था और जिसके जरिए खेरसोन में जनमत संग्रह कराकर रूस में विलय कराया गया था, उसके आधे से अधिक हिस्से को अब यूक्रेन के हाथों में सौंप दे। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, मॉस्को, रूस। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।